नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोबाइल फोन पर मार्जी में। दोस्तों आज मेरे पास सेम फोन है, दोनों आप देख सकते हैं रियल मी नार्जो 30 प्रो 5G है, बस कलर दूसरा अलग है। और आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ रियल मी वाई 1.0 वर्सेस 2.0। ये वाला जो फोन है इसमें रियल मी वाई 1.0 रन कर रहा है, इसमें रियल मी वाई 2.0 रन कर रहा है। इसमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ चुका है और इसमें वही पुराना वाला ही चल रहा है एंड्रॉइड 10। आपको अबाउट फोन में जाकर मैं दिखा देता हूँ दोनों को। आप देख सकते हैं दोनों का मैं खोल चुका हूँ अबाउट फोन। आप देख सकते हैं इसमें आपको फोकस करा के साइड में दिखाया था, रियल मी 1.0 है, रियल मी 2.0 एंड्रॉइड 10 का है, एंड्रॉइड 11 है। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 है और ये एंड्रॉइड 10 है। अब चलिए इसमें जो अब फीचर्स अलग लगाए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं कैमरा दोनों में ओपन हो चुका है। अब दोनों के इसमें चेंजेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे प्लस HDR सेम है, बस यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो इधर से आप फ्रेम वगैरह को यहाँ चेंज कर सकते हैं रियलमी 2.0 में, जबकि इधर का अलग है, इसको छुएंगे तो उसके बाद ही आता है और बाकी सब सेम लग रहे हैं। मोर में और देख लेते हैं, सेम है बाकी इसमें सेटिंग में जाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये रियलमी 1.0 पे रन कर रहा है, इसमें जो नॉर्मल है और इसमें ये दो फंक्शन नया है, स्क्रीन ऑफ अनलॉक का एड सिस्टम क्लोनर करके ऑप्शन इसमें आ चुका है। बाकी आप देखेंगे इसमें जो पर्सनलाइजेशन है ये वाला इसमें फीचर्स नहीं है। और उसके बाद डिस्प्ले इन ब्राइटनेस में जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें का डार्क मोड काफ़ी अलग है, मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी चेंजेस है, इसमें का जो डार्क मोड है और इसमें तो नॉर्मल है। इसको आप डार्क मोड ऑन करेंगे तो डायरेक्ट डार्क मोड ऑन हो जाएगा, बाकी कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। और इसमें का डार्क मोड का आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ डार्क मोड का सेटिंग दिया हुआ है। आप देख सकते हैं तीन प्रकार का सेटिंग है, इनहांस है, इसको मीडियम कर सकते हैं और जो एक और है तीन ठो इसमें सेटिंग दिया गया है इसमें। अब बाकी दूसरा चेंजेस देख लेते हैं, चलिए इसका देखिए। आप डायरेक्ट यहीं पे दे दिया हुआ है स्क्रीन रिफ्रेश रेट का और इसका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आप इसमें जाएंगे मोर में, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे और इसका यहीं बाहर नहीं दे दिया है। और बाकी और देखते हैं और क्या चेंजेस हुआ है, सिक्योरिटी में जाकर देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें एप क्लोनर वगैरह का अलग से दे दिया गया है फंक्शन, इसी में क्लोन एप क्लोनर वगैरह का, जबकि इसमें ये नहीं दिया गया है रियलमी वाई 1.0 में। और ये काफ़ी उससे स्टेबल लग रहा है, परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा लग रहा है, जबकि रियलमी वाई 1.0 था पहले बहुत हीटिंग इशू था इसमें, या इसमें रियलमी 2.0 आ चुका है इसमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी इसमें एक और नई फीचर है, जैसे कि आप किसी को कॉल वगैरह करते हैं, आपको मैं एयरप्लेन मोड पर इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, जिससे आप वन मैनेजर किसी में कॉल कर सकते हैं। कॉल लग गया, आप इसमें साइड में आ जाएगी, साइड में आ जाओगे यहीं से आप इसको स्पीकर ऑन कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं या फिर जो भी फंक्शन यहीं से कर सकते हैं, स्पीकर ऑन कर सकते हैं, यहीं से बंद कर सकते हैं। ये सब फीचर्स इसमें नहीं दिए गए रियलमी 1.0 में, जो फीचर्स मेन है उसको मैं बता रहा हूँ मैं आपको। और एक और फीचर्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसका कितना बेहतरीन है, आप यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं, सेटिंग में जा सकते हैं यहीं से, इसको कैमरा छुएंगे तो इसी में आ जाएगा, इसको छूने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से कर सकते हैं इसको, जबकि इसमें ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है रियलमी 1.0 में। और ये हीटिंग भी बहुत ज़्यादा करता है रियलमी वाई 1.0 नार्जो 30 प्रो 5G में, और रियलमी वाई 2.0 आने के बाद ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ इसके परफॉर्मेंस से। तो अगर आप इसमें को अपडेट नहीं किए हैं तो बिल्कुल अपडेट कर लीजिए इसमें रियलमी वाई 2.0 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।